सो फ्रेंड, आप अपने एडसेंस अकाउंट को गूगल क्रोम में लॉगिन करते हो या यूज करते हो तो कभी कभी इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप इसको प्रॉब्लम समझ के सोचते हो कि मेरा अकाउंट डिलीट तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका अकाउंट डिलीट नहीं होता है। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिल्टू, टेक्निकल बिल्टू में आपका स्वागत है। भाई, यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी ऑन करो, क्योंकि आपको टेक्निकल टिप्स मिलती रहती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कोने में थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंक डेटा का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर आपको टर्न ऑन SYNC यानी कि सिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने अकाउंट को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना एडसेंस अकाउंट को सर्च कर लेना है, यानी कि एडसेंस को सर्च करके लॉगिन कर लेना है, आपका अकाउंट फटाक से लॉगिन हो जाएगा। आप इसी स्टेप को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई आपको डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। Peace.